किसान क्रांति गेट गाजीपुर दिल्ली से आज की जो पूरी व्यवस्था जो रही है, आज बहुत सामान गांव के लोग लेके यहाँ आना शुरू हो गए, चाहे वो सामली क्षेत्र के लोग हो, वे बागपत क्षेत्र के लोग हो, वे छपरौली क्षेत्र से आदमी हो, वे बड़ौत क्षेत्र के लोग हैं, तो बहुत गांवों से जो व्यवस्था जो ये बनी है, जो पहली जो पुरानी परंपराएं हमारी थी कि यहाँ पे अपने गांव से लोग इकट्ठा करते हैं, दूध इकट्ठा करते हैं, घी इकट्ठा करते हैं और खाने पीने की व्यवस्था बना के, और दिल्ली में हर बॉर्डर पे बांटने का काम करा जा रहा है, तो इससे ये आंदोलन पूर्ण रूप से जन जन तक आंदोलन ये पहुँच चुका है, हर किसान के घर तक गांव तक ये आंदोलन चला गया है। ये खाली आंदोलन गांव के किसान का नहीं है, ये जो कंज्यूमर है, जो शहरों में लोग रहते हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो आटा दाल खरीद के अपना गुजारा चलाते हैं, ये आंदोलन उनका भी है। ये आंदोलन उस दुकानदार का भी है जो गांव में दुकान करके 100 परिवारों को उधार सामान देता है, ये आंदोलन उसका भी है जो शहर में नुक्कड़ पे दुकान करता है अपने ही मकान में, और वो 50-100 लोगों को उधार सामान देता है, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 15 दिन, 20 दिन तक सैलरी मिलेगी और उसका जब पैसा जाएगा, क्या मॉल सिस्टम में लोग रहेंगे? आधे शहर को एक मॉल बन जाएगा, वो खा जाएगा, सब दुकानदार खत्म होंगे, सब व्यापारी खत्म होंगे, सारा जो किसान है जिसके जिस हिसाब से उसकी कीमतें लग रही हैं आज उसके सामान की, उसको भाव उसको नहीं मिल रहा। और सरकार क्या 50 दिन में जो 53 दिन हुए हैं इसमें सरकार अभी तक ये समझी कि किसान और हम बातचीत करके समाधान करेंगे, हम उसमें कानूनों में जो बदलाव करेंगे, जब कानून बनाए खराब है आप लोगों ने, क्या कानून बनते ही उसमें बदलाव की जरूरत आएगी? अगर इस तरह के कानून, तो इसका मतलब कानून खराब बने हैं। जब देश में गोदाम पहले बन जाएंगे, कानून बाद में आएंगे, तो ये आंदोलन जन आंदोलन जब पैदा होते हैं, दिल्ली के चारों तरफ करीब 200 किलोमीटर उसमें 10 जगह से भी ज़्यादा पे आंदोलन चल रहा, और करीब 12-15 लाख आदमी आज की तारीख में दिल्ली में बैठा हुआ है। ये आंदोलन लंबा चलेगा। सभी किसानों से अपील है, सभी गांव के लोगों से अपील है कि आंदोलन को लंबा चलाने की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा अभी इसका ये भी अंदाजा नहीं है। हम जैसे पालियों में काम करते थे, अपने खेतों में बटके काम करते थे, ज्वाइंट होकर काम करते थे कि 1 बजे तक दूसरा आदमी काम करेगा, उसके बाद वह दूसरा आदमी काम करेगा, इसी तरह के आंदोलन की रूपरेखा गांव के लोगों को बनानी पड़ेगी। जो लोग यहाँ पाएंगे उनके खेत का काम कौन देखेगा, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। किसी को गन्ना छीलना है, वो पर्ची तोल के वो 2 दिन यहाँ पर लगा दे, 4 दिन लगा ले, इस तरह की व्यवस्थाएं हमको देखनी पड़ेगी। सरकार भी आंदोलन को थकाना चाहती है किसान को। अब की बार ये आर पार का मामला है, सभी किसानों से अपील है, अभी यहाँ पे आदमी जो आए वो अपनी व्यवस्था करके आए, अपने ट्रैक्टर के ऊपर तिरपाल, पल्ली, पुराल वो लेकर आए, लकड़ी, ईंधन, गोसा लेकर आए, यहाँ पे रुके, 2 दिन रुके, 5 दिन रुके, 10 दिन रुके, यहाँ पे खाने की इसकी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव के लोग सामान यहाँ पे दे रहे हैं, जितने भी लंगर भंडारे दिल्ली के चारों तरफ जा रहे हैं, वो चाहे हरियाणा की सीत का सवाल हो, यहाँ से दूध और उनका सवाल हो, तो सब लोग गांव से जाते हैं, अपने गांव से बना के व्यवस्था जा रहे हैं। यहाँ पे भी पूरी तैयारी और अरेंजमेंट हमारा है, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। 26 तारीख की क्या व्यवस्था रहेगी वो हम 19 तारीख तक, उनके रूट कहाँ तक आंदोलन जाएगा कल पूरी जत्थेबंदी से अपनी बात करके, वो सब हम 19 तारीख तक उसको डिक्लेरेशन कर देंगे हम, और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चलना है, लंबा आंदोलन चलना है, उसी का ही हमको ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी रूपरेखा बनानी है। तो इसी के साथ में सभी लोगों का यहाँ पे जो लोग आए, और 18 तारीख में जो महिला दिवस है उस पे यहाँ पे
किसान क्रांति किट गाजीपुर पे जो महिला कबड्डी होगी वो यहाँ पे होगी, और महिलाएं दिवस है तो उस दिन पूरे जो संचालन होगा वो महिलाओं का होगा, जो मंच पर रहेंगी वे महिलाएं रहेंगी, और महिलाओं के सम्मान में 18 तारीख पूर्ण रूप से जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से सब लोग चलेंगे। तो सभी महिलाओं से अपील है कि वे बॉर्डर पे जरूर आए, उस दिन महिला दिवस है, उन सब महिलाओं को सम्मान यहाँ पर करा जाएगा, जो महिलाएं यहाँ पाओगी। धन्यवाद, जय हिंद। किसान आंदोलन पे कल की आपकी क्या गतिविधि रहेगी? कल हम नागपुर में जाएंगे, महाराष्ट्र में एक बड़ी पंचायत वहाँ पे है, उसमें जाके हम सुबह ही वहाँ चले जाएंगे, नागपुर में रहेंगे। और ये पूरे देश में आंदोलन चले हुए हैं, पूरे देश में मीटिंगें लगी हुई हैं। अभी 3 दिन पहले बॉम्बे में हम थे, अब फिर महाराष्ट्र में नागपुर में रहेंगे कल, और कल रात को फिर वहाँ से वापसी आ जाएंगे। आने के बाद में सीधे यहाँ पे आते हैं हम 12-1-2 बजे तक, और आगे की फिर तैयारी रहेगी। 18 तारीख में फिर हम यहीं पे ही रहेंगे, 19 तारीख में सरकार से फिर बातचीत होगी, और उम्मीद है कि सरकार ने जो कहा है, जो 53 दिन की वार्ता में सरकार को ये समझ में आया कि ये जो मामला है किसान और सरकार बैठ के ही इसका हल निकाल लेगी, तो ये बड़ा वो है कि 53 दिन बाद में सरकार एक कदम चली है। किसान तो यहाँ पर आ गया है दिल्ली में, किसान तो वापसी जाएगा नहीं, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये नारा देश के किसानों ने लगा दिया है। अब देखना सरकार का है कि सरकार कितने दिन इस आंदोलन को और चलवाती है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर। राकेश टिकैत जिंदा।